असलम के फ्रेंड, दिस इज दिल पठान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पठान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खरीद से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारे वीडियो है वो नए यूट्यूबर्स के लिए जो मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इसके सब्सक्राइबर के बारे में बताऊंगा कि आपने एक्टिव सब्सक्राइबर किस तरह लेना है। अगर आपके पास 100 भी एक्टिव सब्सक्राइबर आ गए तो आपके सब्सक्राइबर कुछ दिनों में आपके सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लेगी। और साथ में 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह वॉच टाइम को पूरा करना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेवर वॉच टाइम, बिल्कुल आपके ओरिजिनल कंटेंट का। तो इसलिए आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर आपने ओरिजिनल वॉच टाइम आपको चाहिए और मोनेटाइजेशन आपके लिए आपने अप्लाई करना है और आपके पास मोनेटाइजेशन कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और मैं यकीन के साथ आपको बताता हूँ कि इसी के साथ आपको जो है ना वॉच टाइम कंप्लीट मिल जाएगा। तो इसके नंबर में आपको फर्स्ट वाला मेथड जो बताता हूँ वो आपने क्या करना है कि पहले हमारी यूट्यूब की पॉलिसी थी कि जब हम लाइव स्ट्रीम करते थे तो उसका जो वॉच टाइम होता था वो हमारे वॉच टाइम में एडिट नहीं होता था। मिसाल के तौर पर अभी जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो इसकी जो वॉच टाइम है वो उसकी जो अर्निंग होती है वो तो हमें मिल जाती थी, लेकिन जब हमारे पास मोनेटाइजेशन नहीं होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास मोनेटाइजेशन नहीं होता है तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट होता है वो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, तो वो आपको लाइव स्ट्रीम में नहीं मिलता था। फिर उसके बाद अभी यूट्यूब की तरफ से उन्होंने एक अपडेट लाई है और अपडेट में ये है, आप लोगों को ये बताया गया है कि अभी आप लाइव स्ट्रीम कर लें और अपने वॉच टाइम को जल्द से जल्द कम्प्लीट कर लें और चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमा लें। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मेथड बताया था, फिर लास्ट में आपको मैं सब्सक्राइबर को बताता हूँ कि सब्सक्राइबर का आपने कैसे करना है। आपने ये करना है कि आपने लाइव स्ट्रीम करना है, जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह आपने सामने बैठना है और आपने करना क्या है, आपने 5, 6, 10 जितने भी आपके फ्रेंड हैं आपने उसको इकट्ठा करना है और उसको ये बताना है कि अपने से तकरीबन कुछ मीटर के फासले में उनको बिठा देना है। कुछ मीटर के फासले का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आपका आईपी एड्रेस जो होता है जो वॉच टाइम के मुखालिफ है पॉलिसी की, आपका वो मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होता है ये यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका जो है ना वैल्यू होता है और आपकी जो व्यूज़ होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके मुख्तलिफ कंट्री से आपके दोस्तों तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी एक विलेज से हो, एक सिटी से हो, तो अगर आपकी सिटी में अगर दोस्त अपने घर पर बैठा हुआ है तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी कुछ दोस्त एक दूसरे के ऊपर जो है ना ट्रस्ट नहीं करते और अगर उसको बोल भी दे कि यार मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और आप आ जाना, तो अक्सर उसको कहते हैं यार जान दो यार क्या लाइव स्ट्रीम करना है, तो अक्सर लोग इस पर फोकस नहीं देते। तो आपने करना क्या है, दोस्तों को बुलाना है, भाई आप मेरे साथ आओ हमने लाइव स्ट्रीम करनी है। तो आपने एक एक दो दो मीटर में उसको बिठा देना है, आपने लाइव स्ट्रीम शुरू कर देना है और उन दोस्तों को कहना है कि आपने मेरे लाइव स्ट्रीम को वॉच करना है और वो जो लाइव स्ट्रीम है वो 1 से 2 घंटे तक आपने लाइव चलाना है। अगर 4 घंटे चला सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से आपने 3-4 दिन इस तरह आपने करना है लाइव स्ट्रीम करके, और उस वीडियो को आपने डिलीट नहीं कर देना है जो आप लाइव स्ट्रीम करते हो, उसको आपने डिलीट नहीं कर देना है, वो आपने अपने चैनल के अंदर ही छोड़ देना है। जो फिर आपको मोनेटाइजेशन मिल जाए, अगर आपको उस लाइव स्ट्रीम आपको पसंद नहीं आए तो फिर आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर आपको मोनेटाइजेशन मिल गया होगा, उसका कोई टेंशन फिर आपने नहीं है। तो ये है आपके मोनेटाइजेशन के लिए पहला मेथड कि आप इसी जरिए से अपने वॉच टाइम को पूरा कर ले बतौर किसी और तरीके से कि आप किसी के दूसरे का कंटेंट लेके आप अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दे, उससे आप मोनेटाइजेशन का जो है के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलता क्योंकि दूसरे कंटेंट से आपको जो वॉच टाइम मिलता है वो आपके वॉच टाइम में एडिट नहीं होता, बज़ाहिर ही आपको शो करता है, लेकिन जब आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है, जायजे में चला जाता है, तो फिर वहाँ पर आपका जो वॉच टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाता। तो इससे अच्छा है कि आप अपने तरीके से वॉच टाइम को कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरी तरीका सब्सक्राइबर का, तो सब्सक्राइबर ने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्टिव जो यूट्यूबर्स हैं आपने उनके सब्सक्राइबर लेना है और वो किस तरह लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जाना है सर्च में और सर्च के ऊपर आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चैनल को सर्च कर रहे हैं, आप वीडियो को सर्च कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि पहले दिन का जो है ना आज के दिन का वीडियो देखना चाहते हो या हफ्ते का देखना चाहते हो, और दूसरा ये भी आपको बताया जाता है कि कितने मिनट पहले अपलोड हुई वीडियो आपने देखनी है। तो वहाँ पर आपने 4 मिनट पहले अपलोड की वीडियोस के अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर साथ में आपने करना क्या है, मैं साथ को आपकी स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, ये इस तरह आपको सामने एक मेथड खुलेगा, और आपने टुडे के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर सेलेक्ट कर देना है और आपने करना है अप्लाई।
तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी उसी टाइम की वीडियोस का जो उसी टाइम अपलोड हुई हुई है, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या है, फिर उस आपने करना क्या है कि आपने उस सारे दोस्तों को जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपने उनको कमेंट कर देना है। जब आप उसको कमेंट करेंगे तो कमेंट में आपने उसको ये लिख देना है कि आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, और या तो उसको फ्रेंड बना ले, उसके साथ कोई अच्छी से बात कर ले, उसका फ़ोन नंबर ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो उसको बता दे कि मैं आपका चैनल का पूरा विजिट करता हूँ और आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ और आप मेरे चैनल का विजिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने उसको सब्सक्राइब भी कर देना है और हकीकत में आपने उसके चैनल का विजिट भी कर देना है। अगर आपका फ्रेंड बनना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आपने एक्टिव सब्सक्राइबर का तकरीबन अगर एक दिन में आप कोशिश कर ले तो 20-25 एक्टिव सब्सक्राइबर आप ले भी सकते हैं और उसके जो है ना आपके पास व्यूज़ भी आ जाता है। तो एक्टिव सब्सक्राइबर का आपके फ़ायदा क्या होता है देखना। एक्टिव सब्सक्राइबर जो होता है वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कर रहे होते हैं, काम करना होता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर वो लोग ऑनलाइन होते हैं। तो उसके सामने आपकी वीडियो आती है, आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता है, और आपने देखा होगा जो बड़े यूट्यूबर किसी छोटी यूट्यूबर के ऊपर क्लिक कर देता है उसकी वीडियो के ऊपर, तो उसकी वीडियो बाकी जो उसके जो आइटम्स होते हैं उसके सामने शो कर देता है। तो आपकी वीडियो चली जाती है सजेस्ट में, और सजेस्ट के साथ साथ आपके पास मजीद सब्सक्राइबर आने का सबब बन जाता है। आप मेरे बात को समझ रहे ना। आपने एक्टिव यूट्यूबर जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, आपने उसकी उसी टाइम की वीडियोस के ऊपर जाना है जो उसने 10 मिनट 5 मिनट 4 मिनट पहले अपलोड की है या एक घंटा। और उसकी अगर वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर तो अक्सर ज़्यादा रिप्लाई नहीं देते, लेकिन जो छोटे यूट्यूबर हैं आपने ज़्यादातर उसको ऊपर तवज्जो देना है और उसको बता देना है कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर देना है, मुझे बैक में आपको सब्सक्राइब कर लूँगा, आपने मेरे चैनल को विजिट कर देना है। तो इस तरीके से आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और वॉच टाइम का आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि उस तरीके से आप अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये तरीका आप आजमा लेते हो तो मैं यकीन से आपके कहता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, बहुत कम टाइम में आप 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लोगे, क्योंकि आपके पास स्टार्ट में एक्टिव सब्सक्राइबर होंगे, और एक्टिव सब्सक्राइबर जो होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं, वो आपके वीडियो को सजेस्ट में जाने की आपके हेल्प करते हैं, सर्च में जाने का आपका हेल्प करते हैं। और आपने टैग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग टैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टैग्स का इस्तेमाल करो। टैग्स यार जो लोग नहीं लगाते यार क्या बात है उनकी, टैग्स लगाना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से टाइटल आपने लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर यूट्यूब की CEO में जाओगे ना तो वहाँ पे आपके सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है कि आपने क्या क्या करना वीडियो के अंदर ज़रूरी होता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इस चीज़ को आपने फॉलो कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपका चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा और बहुत जल्द आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ये थे आप लोगों की आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।